आज की जो हमारी क्लास है उसमें एमएस वर्ड में हम व्यू या रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एमएस वर्ड में यहाँ पर रिव्यू एंड व्यू टैब होता है। एक और एडिशनल टैब होता है जिसको डेवलपर टैब बोलते हैं। इस टैब को आप हाइड भी कर सकते हैं। ये डेवलपर ऑप्शन या कोड करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे विजुअल बेसिक के एडिटर्स हैं यहाँ पर। तो डेवलपर टैब से आप कुछ नई चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम मैक्रो में देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम रिव्यू टैब में आते हैं। रिव्यू टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये अब हमको पता है कि एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है, और वहाँ पर आप अगर गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो रेड कलर की अंडरलाइन आती है, और अगर आप ग्रामर गलत करेंगे तो ग्रीन कलर की अंडरलाइन आती है। तो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए, हालांकि ये कंपाइल्ड तुरंत यहाँ पर चेक कर लेता है और राइट क्लिक करने पर हमें करेक्ट स्पेलिंग को सजेस्ट भी करता है और करेक्ट करने की सुविधा भी देता है, लेकिन रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट होता है F7। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो F7 जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी वहाँ वहाँ देखिए, आपको यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये स्पेलिंग आपने लिखी है वो गलत स्पेलिंग है, और इनमें से कुछ सजेशंस मिल रहे हैं आपको। ये सजेशंस आपको सही लग रहे हैं तो आप इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा चेंजेस। वैसे ही यहाँ पर आर की जगह पर इज होगा बोल रहा है, यहाँ पर चेंज कर दीजिए और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एमएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण फीचर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना। ये वर्ड प्रोसेसर के प्रोसेसिंग के अंदर आता है। इसका शॉर्टकट है F7, और इसका ये जो है हमें उस टैब में मिलता है, रिव्यू टैब में यहाँ पर हमको मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो कि हम पहले भी देख रखे थे। आगे देखेंगे यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए हमारे पास कुछ ऑनलाइन टूल्स भी दिए हुए हैं। जैसे आप रिसर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिसर्च के लिए आपको सर्च बार आ जाएगी, और यहाँ पर आप सर्च बार में कुछ चीज़ जैसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार, तो ये ऑनलाइन या नेट के थ्रू कनेक्ट होकर के आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स दिखाएगा कि ये एक व्हीकल है और इस टाइप की उसकी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है, और उसको नेट पर सर्च करके यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे देगा। तो आप कोई वर्ड को यहाँ पर लिख सकते हैं और ये उसकी जानकारी आपको देगा, लेकिन इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए होगी। ठीक है, ये रिजल्ट आपको COVID-19 को उसने सर्च नहीं कर पाया, इसके रेफरेंस में नहीं है वो, इसलिए उसको सर्च नहीं कर पाया उसने। तो इस टाइप से आप कोई डिटेल को सर्च भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ऑप्शन रिसर्च का ऑप्शन जो है ये इस काम आता है आपका। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है जो है थिसॉरस। ये डिक्शनरी जैसा होता है। अगर आपको किसी चीज़ की मीनिंग चाहिए तो आप यहाँ से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थिसॉरस वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ चाइल्ड, चाइल्ड लिखने से इसकी मीनिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि किड है और टीन्स है, बेबी है, इन्फेंट है, मतलब अलग अलग टाइप से इसकी जो डिक्शनरी में सिमिलर सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप इससे मीनिंग निकाल सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी मीनिंग निकाल सकते हैं इसका। जैसे दूसरे लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, चाइनीज़, जापानीज़। तो हमने यहाँ पर देखा थिसॉरस वाला देखा, ट्रांसलेट भी हम यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है। ये आपको याद रखना है कि थिसॉरस ये सारे ऑप्शन जो है ना ऑनलाइन भी चलते हैं, कभी कभी आप ऑफलाइन चलाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए ऑनलाइन होना थोड़ा नेट कनेक्टिविटी ज़रूरी रहता है इसमें। फर्स्ट टाइम ज़रूरी रहता है, नेक्स्ट टाइम वो डाउनलोड करके रख लेता है। जैसे ट्रांसलेट ऑप्शन पे आते हैं, ट्रांसलेट ऑप्शन भी आपको कई चीज़ों में यूज़ करेगा, जैसे इंग्लिश टू फ्रेंच हो गया और ग्रीक हो गया, अलग अलग लैंग्वेज में आप इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैन को आप यहाँ पर सर्च करिए और वो ट्रांसलेट करके आपको दे देगा यहाँ पर, ये रिसर्च वाला जो ओपन है।
ओके, ट्रांसलेशन आपका चालू हो गया है इंग्लिश टू हिंदी, और इसके लिए आपको ये ऑनलाइन सपोर्ट के लिए बोल रहा है, तो ये सपोर्ट के लिए दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है इसको, आप देख पा रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको, चलिए फिर से इसको करते हैं। अभी यहाँ पर आदमी लिखा हो, एक काम करते हैं ट्रांसलेट में जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, उसको इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। मैन को हिंदी में बोलते हैं आदमी, और इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ भी जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर दूसरी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप चाइनीज़ लैंग्वेज पे काम, क्योंकि रिसर्च जो होता है वो पूरी दुनिया में होता है, जैसे कोविड के ऊपर रिसर्च हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में ही हो, वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा होगा। तो जो चाइनीज़ चाइना वाले जो रिसर्च किए होंगे वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ किए होंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर वर्ड को दोबारा अपने पास रिसर्च करने के लिए उसको ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्रांसलेट ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट ऑप्शन जो है वो दूसरे दूसरे लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए, फ्रेंच, जापानीज, बहुत सारी लैंग्वेज है यहाँ पर, उसमें कन्वर्ट कर देगा ये, क्लियर है। इसका ज़्यादातर यूज़ जब आप वर्ल्ड वाइड यूज़ करेंगे किसी थीसिस लिखने के लिए तब यूज़ होगा, अदरवाइज उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि वही ट्रांसलेट के कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, कि ट्रांसलेट को ऑफ करना सर, इसमें खाली मतलब वर्ड का ही ट्रांसलेशन। अगला एक फीचर है वर्ड काउंट, ये काफी यूज होता है थीसिस लिखने के लिए, क्योंकि थीसिस लिखने पर आपको एक लिमिटेशन होता है कि अपना पैराग्राफ इतने वर्ड में ही कंप्लीट करना है। जैसे 300 से 400 वर्ड्स आपको बोला गया है, क्योंकि आप उससे कम लिखते हैं तो आपकी थीसिस जो है वो रिजेक्ट होगी, उससे ज़्यादा लिखते हैं तो भी थीसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे लिए तो फिलहाल अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम तो अपने पेज पर कितना भी लिख देते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें, मैगजीन की बात करें, जहाँ पर एक छोटा सा स्पेस होता है, लिमिटेड स्पेस, इस छोटे से स्पेस के अंदर ही आपको सारे कंटेंट को लिखना है। अगर आप उसमें बहुत बड़ा कंटेंट देते हैं तो उसने छोटे से स्पेस में वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। पेपर पर जो स्पेस होता है, न्यूज़पेपर पर, मैगजीन पर, या पर थीसिस पर, या फिर कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं, तो उसमें जो वर्ड काउंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप कम भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कम लिखेंगे तो ब्लैंक दिखेगा, और ज़्यादा भी नहीं लिख सकते। तो उसके लिए जब भी हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पैराग्राफ टाइप किया, तो मुझे इसको काउंट करना होता है, क्योंकि मैं जब इसको सेंड करूंगा न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए तो मुझे उसकी लिमिट पता है। अगर उन्होंने बोला है कि 200 वर्ड तक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वर्ड काउंट करूंगा और मेरा जो है यहाँ पर दिख रहा है टोटल 119 वर्ड्स, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने स्पेसेस हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, पेज कितना है, सारा का सारा डिटेल ये मुझे दे देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर रहे होते हैं पब्लिक चैनल पर। पब्लिक चैनल का मीनिंग सीधा सीधा यहाँ पर है हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, या फिर हम कोई थीसिस लिख रहे हैं, सब में जो है लिमिटेड ही होता है। लिमिट से आप बाहर नहीं जा सकते, लिमिट से कम नहीं आ सकते। तो ये ऑप्शन आपको तभी यूज़फुल लगेगा जब आप कोई इस टाइप की कोई पब्लिक चैनल में पोस्टिंग करते हैं या फिर पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आ जाता है, इसका शॉर्टकट है ये ऑप्शन, क्लियर है। तो हमने वर्ड काउंट के बारे में भी इसमें जाना। आगे देखते हैं हम, अगला जो इम्पोर्टेंट है कमेंट, कमेंट और ट्रैक चेंजेस यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई नया वर्ड लिखा है, जैसे मैं COVID-19 लिख देता हूँ, तो ये नया वर्ड है और इसके बारे में अगर आपको कोई डिटेल देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एंड नोट लिखिए, या फुट नोट लिखिए, या कमेंट दे दीजिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, रिव्यू में जाऊँगा और न्यू कमेंट। तो देखिए न्यू कमेंट करने पर साइड में ऐसा डिटेल आता है, वायरस, मैंने यहाँ पर लिखा वायरस। तो जहाँ जहाँ पर भी अपने इसको ऐसा कमेंट लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट करेंगे, तो उसके बारे में कमेंट यहाँ पर डिस्प्ले होता है, क्लियर है। तो
ये कमेंट एक एडिशनल चीज है जो ऑनलाइन रीडिंग करते समय किसी वर्ड की मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके ऊपर माउस रखने पर उसके बारे में दिखाएगा कि मल्टीपल कमेंट्स भी आ सकते हैं, आप इसमें मल्टीपल कमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कोई दूसरा कुछ दिया, अगला पर्सन कुछ और दिया, ऐसे मल्टीपल कमेंट्स भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब तो है। रखेंगे तो मल्टीपल कमेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे ही आपको कमेंट्स को देखना है तो नेक्स्ट कमेंट करेंगे तो देखिए अगले में आ गया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे अगले में आते जाएगा, और प्रीवियस करने पर प्रीवियस पर आएगा। कोई कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ पर कमेंट को, क्लियर है? तो कमेंट को डिलीट करना, कमेंट को ऐड करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लियर है? और ये सब चीज़ें भी थीसिस राइटिंग के समय ही आपको काम आएगी। अगला बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। थीसिस राइटिंग के समय ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन भी बहुत यूज किया जाता है। ट्रैक चेंजेस क्या होता है देखते हैं। जैसे मैं ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन को लिख देता हूँ, आपको पता है कि जब भी हम कोई थीसिस लिखते हैं, थीसिस की बात इसलिए की जा रही है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि रिसर्च वर्क से ही जुड़ा हुआ है ये। रिसर्च वर्क में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज COVID-19 का जो रेट था वो 3.15 था, फिर एक महीने के बाद COVID-19 का जो रेट है वो 5.26 हो गया, फिर एक महीने के बाद, इस तरीके का काफ़ी सारा डेटा जो है वो डेली 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 क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। क्योंकि रिसर्च वर्क में जो है हमको अपना लक्ष्य पता नहीं रहता है, हम उसको ढूंढते रहते हैं, तो इस तरीके का जो डेटा चेंज हो रहा है, तो मान लीजिए COVID-19 यहाँ पर कई बार लिखा है और मैं इसको चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ ट्रैक चेंजेस ऑप्शन से। फिलहाल मैं यहाँ पर 4 बार लिखता हूँ, लेकिन थीसिस में एक ही चीज़ को कम से कम 100-150 बार लिखा जाता है, और एक एक पॉइंट में लिखा रहता है, और वो भी कुछ इस तरीके से पॉइंट में लिखा रहता है, उसको याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, और कई बार लगभग डेली डेली ये डेटा चेंज होता है, तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है कि पुराना डेटा क्या था और नया डेटा क्या था। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन से। अब देखिए मान लीजिए आज का डेटा ये है कि COVID-19 का रेट दिल्ली में ये है, बेंगलोर में ये है, छत्तीसगढ़ में ये है, एमपी में ये है। अब मैंने यहाँ पर ट्रैक चेंजेस को अप्लाई किया, देखिए ट्रैक चेंजेस को मैंने ओके कर दिया, ट्रैक चेंजेस ऑन हो गया है। ऑन हो गया है मतलब ये देखिए एक्टिवेट है, जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना तो ऐसा दिखेगा, ये एक्टिवेटेड नहीं है। ट्रैक चेंजेस को मैंने ऑन कर दिया, अब आपको पुराने डेटा को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूँगा, देखिए ध्यान से, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3.569, ये पुराना डेटा था और ये मैं नया डेटा चेंज किया, तो इससे मैं मुझे पता चल जाएगा कि एक महीने पहले दिल्ली में 3.265 था और आज की डेट में 3.65 जो भी नया डेटा है वो दिख रहा है हमको। वैसे ही मुंबई का पुराना डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए पुराना डेटा को वो हटाता नहीं है बल्कि पुराने डेटा को भी साथ में रखता है। ये काम होता है ट्रैक चेंजेस का, और मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो ये पुराना डेटा, देन नया डेटा, फिर इस तरीके से डेटा आ गया है, फिर उसके बाद फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको फिर से मैंने चेंजेस ट्रैक चेंज करने की कोशिश की है, तो इसको मैं फिर से इस तरीके से चेंज करता हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, ये वाले डेटा में पुराना डेटा ही सही था, ये वाला गलत है डेटा, तो यहाँ से हमारे पास रिजेक्ट ऑप्शन आता है। ध्यान देना है आपको, रिजेक्ट ऑप्शन करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किया था वो रिजेक्ट हो जाएगा और पुराना डेटा वापस आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, नया डेटा है 6 और पुराना डेटा है 3, तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर है? तो रिजेक्ट करिए यहाँ पर, अब मैं रिजेक्ट करने जा रहा हूँ, सेलेक्ट हो गया रिजेक्ट, तो पुराना डेटा जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और नया डेटा जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया है, क्लियर है? वैसे ही आप नेक्स्ट में जाइए, रिजेक्ट करिए, रिजेक्ट हो गया, देन इसमें आइए, रिजेक्ट किया आपने और इसको भी रिजेक्ट कर लिया। अब आपको लगता है ये वाला डेटा सही है, याद रखिए पुराना डेटा 86 है और नया डेटा 6 पॉइंट कुछ है, तो इसको आपको क्या करना है, पहले वाले को तो रिजेक्ट करना है, दूसरे सॉरी पहले वाले को एक्सेप्ट करना है, तो नया डेटा जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो पुराना डेटा और नया, कई बार जब हम कोई चीज़ चेंजेस करते हैं और बहुत सारा मिक्सअप हो जाता है,
उसको ट्रैक करने के लिए ऑप्शन होता है जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस, और ये रिसर्च वर्क में ही उतना यूजफुल है, अदरवाइज आपको इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं मिलेगा। अगला और सबसे लास्ट ऑप्शन जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे इसके सपोर्टिव ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस के, क्लियर है। अगला और सबसे लास्ट ऑप्शन जो हम यहाँ देख रहे हैं, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, हम अपना डॉक्यूमेंट जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, हम यहाँ पर लिमिटेशन दे सकते हैं कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेंज कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा होगा कि कई लोग पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर, तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन देता है। मैं एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको बता देता हूँ, जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे टूल दिखाई देता है। देखिए ये टूल दिख रहा है, मैं पहले बिना यहाँ पर विदाउट पासवर्ड, ये विदाउट पासवर्ड है, मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ। देखिए ये मैंने सेव कर दिया तो ये विदाउट पासवर्ड सेव हो गया है, और इसका नाम भी विदाउट पासवर्ड है। तो अब मैं इसको बंद करूँगा, और जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो देखिए बिना पासवर्ड के ये ओपन हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ओपन हो लेकिन उसके लिए पासवर्ड पूछे, तो उसके लिए मैं इसको प्रोटेक्ट कर दूंगा। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ध्यान से देखना है आपको, सेव एस करेंगे, और जब सेव करते हैं तो नीचे में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, पासवर्ड या विथ पासवर्ड। यहाँ पर टूल्स आता है, यहाँ पर आपको दिखेगा जनरल ऑप्शन, ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो मैं जनरल ऑप्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा पासवर्ड टू ओपन, मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड दे रहा हूँ, बिना ये पासवर्ड के ओपन नहीं होगा फाइल। और पासवर्ड टू मॉडिफाई, मैंने यहाँ पर एक और पासवर्ड दिया, तो दो पासवर्ड लगाया, डबल सिक्योरिटी दी मैंने, ठीक है। रीड ओनली कर देंगे तो और चेंजेस नहीं होगा। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए और भी ऑप्शन आते हैं, क्लियर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जनरल ऑप्शन में मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया ABC और यहाँ पर XYZ दे दिया, ठीक है। अब मैं ओके करूँगा, दोबारा इसको रिपीट करेगा, फिर से दोबारा रिपीट मांगेगा इसको। देखिए री इंटर पासवर्ड टू ओपन, मैं मुझे दोबारा पासवर्ड देना होता है क्योंकि कोई पासवर्ड को वो दो बार वेरीफाई करता है। फिर री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, मैंने दिया XYZ, सेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। और जब मैं अब सेव करूंगा तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड सेव होगा, यानी एक बार बंद कर देने के बाद अगर मैं इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगी ये फाइल, गलत पासवर्ड देने पर वो पासवर्ड इनकरेक्ट करके ओपन नहीं करने देगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और मैं करेक्ट पासवर्ड देता हूँ ABC, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद मॉडिफाई करने के लिए आपको पासवर्ड मांगेगा, आप यानी आप किसी को चाहते हैं कि अपना फाइल, आपका फाइल बस वो देख सके, उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, तो आप सिर्फ उसको ओपन वाला पासवर्ड दीजिए, वो रीड ओनली करेगा, उसके बाद केवल इसको रीड कर सकता है। इसको अगर वो डिलीट करने की कोशिश करेगा तो डिलीट नहीं कर पाएगा, कट नहीं कर पाएगा, और जब भी इसको कट पिट करेगा और सेव करेगा तो सेव नहीं होगा वो डिटेल, क्लियर है, या सेव एस में जंप कर जाएगी। देखिए आप, तो इस तरीके से रीड ओनली मोड पर भी आप दे सकते हैं और एडिट करने का फैसिलिटी भी दे सकते हैं उसको, क्लियर है। यानी आपकी फाइल जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर होगी। आप अपनी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ताकि दूसरा कोई आपके डॉक्यूमेंट को ओपन ना कर सके। तो ये हमने आज देखा जो रिव्यू टैब था, अब व्यू टैब को भी हम देख लेते हैं। व्यू टैब में हम जाएंगे तो हमको दो तीन ऑप्शन दिखेगा, जैसे प्रिंट लेआउट, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको प्रिंट लेआउट बोलते हैं। फुल स्क्रीन में पूरी स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ आपको फुल स्क्रीन, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो है फुल स्क्रीन में कैसे दिखता है। ये आपका फुल स्क्रीन है, ये फुल स्क्रीन में ऐसा दिखाई देगा, और आपको मल्टीपल पेजेस एक साथ देखने हैं तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए आपको टू पेजेस देखना है तो बुक रीडिंग वगैरह करने के लिए ये रहता है ऑप्शन। अगला जो है वेब लेआउट, इंटरनेट पे कैसा दिखाई देगा ये डॉक्यूमेंट, इसको आप इंटरनेट की फाइल पे भी बना सकते हैं, जैसे मैं सेव एस किया, और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर आपको ले लेता हूँ HTML डॉक्यूमेंट है। देखिए तो मैं इसको वेब पर भी पब्लिश कर सकता हूँ, वेब पर भी पब्लिश करने के लिए ये इंटरनेट पर ओपन हो जाएगा। सेम चीज़ जो है ये देखिए ऐसा
मैं इसको इंटरनेट पर भी ओपन करूंगा और पब्लिश करके इंटरनेट पे कैसा दिखाई देगा ये मुझे दिख रहा है। तो आप इंटरनेट का पेज काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक देखिए आपको मैं पेज प्रिंट लेआउट में जाता हूँ, यहाँ पर एक मैंने इंसर्ट में गया, शेप में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट में इसका कलर कर देते हैं, इंसर्ट में गया मैंने क्लिप आर्ट बना दिया, एक क्लिप आर्ट बना दिया, इसको कलरफुल कर दो आप, और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एस, डेस्कटॉप पे मैंने HTML नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो ये इंटरनेट में कैसे दिखाई देगा देखते हैं। तो ये जो इंटरनेट की फाइल है ये हम ओपन कर सकते हैं, देखिए इंटरनेट में ऐसा बन जाता है, आप देखते होंगे इंटरनेट में। तो ऐसा आप MS वर्ड से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना करके पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पर, क्लियर। तो ये हमने देखा था जो ये ऑप्शन ये व्यू के अंदर था, और व्यू ऑप्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये वेब लेआउट है। आउटलाइन में आपको इस तरीके से दिखाई देगा जो कि सारे के सारे ब्रेक्स के साथ दिखाता है, पेज ब्रेक आदि कर दिए हैं तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी, इसको आउटलाइन बोलते हैं। आउटलाइन के बाद हमारा जो व्यू है ड्राफ्ट व्यू वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पेज ब्रेक वगैरह हमको दिख रहा है, यहाँ से हम पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं। जनरली हम प्रिंट लेआउट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा व्यू में वो सारे ऑप्शन हैं जैसे रूलर्स को हाइड करने के लिए, लाने के लिए, गाइडलाइंस को लाने के लिए और हाइड करने के लिए, थंबनेल्स, डॉक्यूमेंट मैप, ये सारी चीज़ों को आप ला सकते हैं, जूम कर सकते हैं, और जूम के लिए यहाँ पर भी कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं, क्लियर है। इसके अलावा 1 पेज 2 पेज 4 पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है मैक्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये हर साल एग्जाम में आता है, और जो लोग कई लोग MS वर्ड पे काम कर रहे होते हैं उसके बावजूद भी मैक्रो ऑप्शन के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा भी नेक्स्ट क्लास में मैक्रो को समझेंगे, इसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी, ठीक है, और उसके बाद लगभग आपका ये कवर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।